नमस्कार, मैं हूं पिंकी। न्यूज फॉर सोशल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। ऐसा कहा जाता है कि एक टीचर अपने बच्चों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का तरीका बताती है, लेकिन राजस्थान के जालोर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की एक अनोखी शिक्षा देखने को मिली है। राजस्थान के जालोर में सरकारी स्कूल के टीचर ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान नागिन डांस किया, जिसके लिए एक टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। ब्रेक के दौरान तीनों टीचरों को नाचते हुए देखा गया है, जिसमें एक मास्टर ट्रेनर है जिसे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने के लिए भेजा गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बुधवार को शिक्षकों में से एक को निलंबित कर दिया गया है, वहीं अन्य दो को कारण बताओ का नोटिस जारी किया है। जब इस मामले को लेकर जालोर के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक रोशनवाल से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि हमने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है जिसने डांस करना शुरू किया था, और अन्य दो लोगों को इसका कारण बताने के लिए कहा है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा, जिन टीचरों से कारण पूछा गया है उनकी अभी अभी भर्ती हुई है और नियमों के बारे में वो नहीं जानते हैं। डांस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्कूल में हर नियम का पालन करना पड़ेगा, फिर वह चाहे कोई और टीचर क्यों ना हो। हालांकि निलंबन आदेश पर विभाग के कुछ शिक्षकों ने आपत्ति जताई है, तो वहीं एक शिक्षक ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा है कि ब्रेक के समय में अन्य शिक्षकों के साथ आनंद ले रहे थे। इसमें अपशिष्ट या फिर हानिकारक क्या है? क्या कोई सरकारी कर्मचारी सहकर्मियों के साथ अच्छा समय नहीं बिता सकता? क्या ये उचित नहीं है? यहाँ पर अगर हम एक अलग नजरिए से देखें तो ये बात सामने आती है कि हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, उसे इस बात की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ बात स्कूल की है, जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, और अगर टीचर ही इस तरह की हरकत करे तो क्या ये गलत नहीं है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ फॉर सोशल की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।